अब देखें इतनी तेज तूफानी बारिश हो रही है। इत्तेफाक देखें, मैं बाहर निकला हूँ और बारिश शुरू हो गई है। चटनी शटनी आ गई है, मुझे तो बहुत पसंद है ये चटनी, ये भी और ये मीठी चटनी है। एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। अभी मैं अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ थोड़ा बाहर घुमाने। गर्मी बहुत है, मज़ा तो आता नहीं है गर्मी में जाने का, लेकिन क्या करें, बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए छोटी को घुमाना है और इसके साथ उनको डिनर भी कराना है। क्योंकि जो मेरा सिल्वर बटन आया था ना, उसकी एक पार्टी मैंने पहले रखी थी आने से पहले, और दूसरी बाद में रखनी थी, वो मैं रख नहीं पाया था। तो मैंने इनको कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको लेके चलूँगा, तो आज डिनर भी करेंगे, कुछ घूमेंगे, और कुछ दोस्त आए हैं, अगर उनसे मुलाकात हो जाएगी तो वो भी इस ब्लॉग में शामिल होगा। अमेरिका में हमारी ज़िंदगी कैसी है, इसके लिए आप हमारे ब्लॉग देखते रहें और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं यहाँ से, और आज आपको शुगरलैंड ह्यूस्टन में जहाँ जा सकते हैं आपको घुमाता हूँ और कुछ इन्जॉय भी करते हैं साथ साथ। चलें अभी चलते हैं वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें लेनी भी हैं और कुछ चीज़ें देखनी भी हैं, तो दोनों चल के काम कर लेते हैं। मेरे ख्याल गाड़ी का हवा कम है क्योंकि दो दिन से गाड़ी खड़ी रही है, तो मुझे ना इसको देखना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में अगर गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बेहतर है फ़िलहाल तो। लेकिन इसको मैं स्टार्ट करूँ, गर्म गर्म पूरा तवाफ हो गया पूरी गाड़ी का, तो बहुत अंदर ना हब्स हो जाता है। पहला स्टॉप हमने यहाँ लिया है, तेल डलवा रहे हैं क्योंकि टैंक ख़त्म होने वाला था, और इधर से मीटर भागे जा रहे हैं, डॉलर आगे चढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमें आगे जाना है, आगे जाके फिर मज़ीद काम करने। तो लाइफ तो भाई यहाँ की इस तरह से है, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, हर चीज़। पेपर ही नहीं है, पी पी कर रहा है, रिसीट रहते ही नहीं, नहीं देखो क्या लिख के आया। चलो खैर है, आ गए वॉलमार्ट पे। अब एक हफ्ते कितने दिन हो गए आपने कुछ नहीं लिया, बताएं सच्ची सच्ची। मैं थोड़ा थिंक कर सकती, बस ये लास्ट टाइम है। हाँ ये लास्ट टाइम है, ठीक है ना, प्रॉमिस। इसके बाद रोएंगी नहीं, लेके मिल दूंगा। ओके चलो भाई, हमारे पास चाबियां खो जाती हैं या गाड़ियों की, घरों की, तो चाबियां हमारे पास देखे ना, वहाँ जाके बनवाते हैं चाबी मेकर के पास, लेकिन यहाँ चाबी मशीन बना के देती है, बस यूँ डालो चाबी बन जाती है। तो ये फ़ायदे हैं यहाँ अमेरिका के, कि आपको चाबियाँ भी ऑटोमेटिक सारी मशीनें बना के देती हैं, यहाँ से पेमेंट करो, यहाँ से चाबी बनवाओ और चले जाओ। हेलोवीन की वजह से फिर ये देखें खौफनाक चीज़ें इन्होंने रख दी हैं सारे, इन्होंने डरावनी डरावनी चीज़ें इन्होंने यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं, क्योंकि अभी हेलोवीन आ रही है, हेलोवीन में ये इनका बड़ा त्यौहार जो है ना, ये मस्त तरीके से चलता है। जब हम आए थे तब भी वही दिन था, बस हमारे को साल होने वाला है तकरीबन, फिर डरावनी डरावनी चीज़ें देखें यहाँ। स्पेशल ड्रेसेस होती हैं, ये चुड़ैलें बनने का इनको बड़ा शौक होता है, चुड़ैल बनेंगे। इधर सारा ये कब्रिस्तान की वो तख्तियाँ लगी हुई हैं, डरावनी डरावनी, टम्ब स्टोन इसको बोलते हैं। तो ये देखें ना, इस तरह का त्यौहार इनका है। हाँ हलूँ था ना, जब भी इनके त्यौहार होते हैं ना, कोई प्रोग्राम होता है त्यौहार, तो ये स्पेशली अपना अलग डिस्प्ले बनाती है, पूरा सेटअप ही चेंज होता है। स्कूल के डेज में जैसे बुक्स का था, तो बुक्स के लिए इन्होंने पूरा सेटअप अलग रखा, और फिर जो है क्रिसमस आएगा तो अलग सजाएंगे, ये बड़े बड़े स्टोर इस तरह से सजाते रहते हैं। सारा काम करके अब वापस आए, देखें काले काले बादल आ गए आसमान पे, और हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई है, तेज़ हवा भी आ रही है ना, तो जितना जल्दी हम निकल के घर पहुँचे तो बेहतर है। वैसे ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है, लेकिन ये व्यू आप देख रहे हो कितना प्यारा है, और यहाँ से काले बादल आ रहे हैं, ये हवा शुरू हो चुकी है, और यहाँ आप देख रहे हो पत्ते भी इधर उधर हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा स्टार्ट हो चुकी है। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, इतनी चीज़ें बड़ी बड़ी लेके जाती है, जितने का सौदा नहीं होता जितना आपका टॉय का खर्चा हो जाता है। अभी हम यहाँ आए हैं खाना खाने, आज शाम का ही खाना खा लेंगे यहाँ। चटनी शटनी आ गई है, मुझे तो बहुत पसंद है ये चटनी, ये भी और ये मीठी चटनी है मिली की, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अभी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, खाना आ गया हमारा, ये इसके आ गए, अच्छा तो इसका है हाँ, और ये हमारे नान है, और ये हमारे आ गए, लेकिन ये तो थोड़ा बन जाएगा और मंगवाना पड़ेगा। खाना वगैरह खा के अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, डेलिस से आए हैं, कहाँ से?
और जहाँ से भी आए चलो। और मेरा एयरपॉड गुम हो गया, मैं उसकी टेंशन में आ गया हूँ। नए एयरपॉड्स लिए थे और वो गुम हो गए मेरे, उनमें से एक गुम हो गया, एक पड़ा हुआ है। तो अभी लोकेशन आ रही है घर की। मेरा एयरपॉड एक गुम हो गया, मैं बहुत परेशान था। और इसने मुझे, मैंने उसकी देखें टेक्नोलॉजी का कमाल, के उसकी मैंने रिंग ओपन कर दी कि साउंड आ जाए। तो इधर से ना टिंग 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 हल्की हल्की आवाज आ रही, हम नहीं ढूंढ पा रहे, और इसने ढूंढ लिया। थैंक यू। क्या बोलती है शैतान, क्या करता है शैतान? हमारी चीजों को इनविजिबल बनाता है और फिर अंदर ही डाल देता है किधर, कि हम ढूंढ नहीं सके उसको। आपने कैसे कान लगाई? ऐसे कान लगाया, वाओ यार जबरदस्त। मेरे वरना देखे नया लेके आया था मैं, तकरीबन 399 डॉलर के लिए थे। एक गुम हो गया और पहले भी एक गुम हो चुका है मेरा, ये वाला मैं सोच रहा था ये वाला, लेकिन ये था नहीं। और हमने खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा तो एडिटिंग का काम है, और अगर ऑडियो आपको सही समझ में ना आए ना तो पूरा काम खराब हो जाता है। बहरहाल छोटी ने मेहरबानी कर दी, ढूंढ दिया इसने। भाई अभी आ गए थे दोस्त, तो हम आ गए इधर, ये देख रहे हो ना, मैं हुक्का पीता नहीं हूँ, लेकिन हुक्का पीने वाले दोस्त साथ हैं तो अंदर जाएंगे। ये इधर की शौक क्यों रखते हो यार? भाईजान शौक इसलिए रखते हैं कि कभी कभार जिंदगी में ना ब्रेक जरूरी है, तो उसमें हुक्का लाजमी है। हुक्का नहीं, यहाँ पे शेक वगैरह मिलते हैं, हम शेक चले हलो देखते हैं भाई ये हुक्का लाउंज है। तो अभी दोस्त आए डेलिस से स्पेशली मिलने रात के टाइम पे, और खच्चर खुआरी हमारे लिए भी हो जाती है, दोस्तों के लिए भी। तो अब जाके अंदर देखते हैं कैसे लगता है माहौल, में भी आया हूँ अभी। ये है, ओए होए होए होए, मौसम अच्छा हो गया माशाल्लाह, आज तो जबरदस्त मौसम हो गया। इतने दिन से हम तड़प रहे थे, आज बारिश की पोषण को, ये थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी यार, यकीन करें हम तरस गए थे। और अभी बारिश भी होगी जबरदस्त किस्म की, आज पेशन को ये तो देखते। हाँ इत्तफाक देखे, मैं बाहर निकला हूँ और बारिश शुरू हो गई है, काले काले बादल आए हुए हैं, तरस गए थे बारिश के वजह से, ऐसे लग रहा था जैसे हम सहरा में रुके हुए हैं ना। वाओ यार जबरदस्त, क्या मौसम है आज का। तो तकरीबन 2.5 महीने के बाद बारिश हो रही है इस तरह की। बस बारिश को तो चलने देते हैं, मैं थोड़ा नाश्ता कर लूं फिर वापस आते हैं, आज एंजॉय करेंगे यार, तरस गए थे। मेरा सुबह सुबह का नाश्ता कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बस ऐसे ही सिंपल सा करते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी खाने की तो बात ही अलग है, बाहर बारिश हो रही है। ओह अब देखें, इतनी तेज तूफानी बारिश हो रही है, देखें इधर बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है इधर, एडिसन पार्क में ये देखें बारिश, आपको नजर नहीं आ रही है पर ये देखें बारिश हो रही है। कल यहाँ के कुछ अपार्टमेंट वालों ने अपना नया फर्नीचर उस जगह पे ना जाके फेंक दिया था, जो एक चेयर अभी तक पड़ी हुई है, देखे ना चेयर पड़ी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो आके फर्नीचर उठाया उन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने अपने लिए, किसी ने टेबल उठा ली, किसी ने डाइनिंग टेबल उठाई, किसी ने चेयर उठाई, और जो काम की चीज़ नहीं थी वो छोड़ के चले गए। तो इस तरह से कल हमने देखा ना, जिस तरह से लोग फर्नीचर पर टूट पड़े थे। तो यहाँ मज़ा आता है, लोग क्योंकि नया फर्नीचर मंगवाते हैं, जो दोस्त थोड़ा यूज है वो उसको फिर फेंक देते हैं। कैसे लग रहा? भूल गए मुझे। नहीं, कितना हुआ मैम, कितने लोगों ने उठाया था? जैसे चेयर, जैसे टेबल और तो गाड़ी भी आई ना, गाड़ी ने सारा ले लिया ना। आज तो मौसम का मजा लेना है, आज हम बैठे 12 से लेके 4 बजे तक। ये सारे पौधे सूख रहे थे, नीचे घास सूख गई थी, आगे आप देख रहे हो पूरा पीला पीला हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है। तो मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं और देखते हैं कौन जीतता है ना। चले अब ये गाड़ी जहाँ से स्टार्ट होगी, वन टू थ्री, अच्छा जो एक
जो एक्सीडेंट करेगा वो आउट। नहीं आउट सुबह सुबह उठते ही ना एक गुड न्यूज आ गई है। कल से तबीयत ठीक नहीं थी, बारिशें भी थी और फिर बारिश बंद हो गई। अब जो है मैं उठा हूँ भाई, तो ये हालत है आप देख रहे हो, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी ये गुड न्यूज़ आ गई कि जिनके लिए हमने एक समझेंगे क्या कहते हैं कि मशाल रोशन की, लोगों में शऊर बेदार करने की कोशिश की कि अपने हुकूक़ के लिए उठ खड़े हों। थोड़ा सा रोज़ाना किडनेपिंग हो रही है, तो उनमें से 3 लोग बाजाब हो के कश्मीर आ चुके हैं। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं। क्या बताऊं, मतलब कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, ना ही मैंने कभी कोई पॉलिटिक्स की है, और मैं अपने मुल्क में एक क्या कहते हैं अच्छा ही देखना चाहता हूं, पीसफुल माहौल देखना चाहता हूं सब लोगों के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं कि मैं खुश हूं तो दूसरे खुश ना हों। सब लोग, सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित हो, कश्मीर हो, जहाँ जहाँ भी जितने लोग रह रहे हैं ना, वो सारे खुश रहें। और इतनी महंगाई हो गई है, अभी तो और हालात ख़राब हो जाएंगे। अभी तो रोज़ाना जो खबरें आती हैं ना, मैं देखता रहता हूँ, तो रोज़ाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग अपनी जान खुद ही ले रहे होते हैं बेचारे। इतनी गुर्बत, इतनी महंगाई, और उसके ऊपर से फिर लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सारे मसले जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। तो एनीवे गुड न्यूज़ तो आ गई, गुड न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त थी कि एक मासूम बच्चा, उनको भी डाकुओं ने अगवा किया था 2-3 महीने पहले, तो वो भी बाजाब हो चुके हैं, धरने जारी हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं लोग। और ये अच्छी बात है कि कम से कम जब आपकी रियासत ना सुने, जब आपकी पुलिस ना सुने, और जब ये डाकू राज हो, तो मेरे ख्याल में फिर लोगों को उठना चाहिए। तो ये गुड न्यूज़ थी। कल मैं सारा दिन सोकर गुजारा, क्यों तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कहीं जा नहीं पाया, और इस तरह से टाइम पास हुआ है। तो मिलेंगे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। थैंक यू।